वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल, आई एम कृष्ण बागुल। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस हम देख चुके हैं कि दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्त आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। डिफेंस इस किताब ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, क्रांति लाई है। डिफेंस यह हमें कहती है आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है, राइट है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश स्वस्थ तथा आजाद रहने के लिए आए हैं, इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, उतना धन होना चाहिए जितने की आपको नीड है, जरूरत है। डिफेंस आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्त आप इसे चुने। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की मदद से अमेरिका आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से संकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर ये इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छे दोस्तों बल्कि बहुत अच्छी है। धन एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए ये न सिर्फ कमी से आदाजी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। ये किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ है। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टीन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांत या आशंकित होने लगते हैं तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके थॉट्स, आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक मन के और कहीं सस्ती चीज़ें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। बस हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है। फ्रेंड्स जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वो निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुँचा दिया। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है जैसा ही वैसा ही होगा। अगर कल वो वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए तब भी वो दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा सकता है, यही नहीं वह उससे भी लाभ उठा लेगा।